हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पानेला स्कूल। ये हमारा भाग दो है। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। भाग एक में भी हमने स्वर पढ़ा था और आज भाग दो में हम स्वर को लिखना सीखेंगे। ओके बच्चों, चलो अपनी किताब खोलो। किताब का कौन सा पेज खोलोगे? अपनी आइडल की बुक का पेज नंबर 5 को खोलना। ओके बच्चों आपने किताब को खोला ना? किताब का पेज नंबर कौन सा हमारा? 5। ओके, तो इसमें क्या आज है ना, हम स्वर को लिखना सीखेंगे बच्चों। तो पहला स्वर कौन सा है हमारा? अ। तो आपको अ लिखना आया। अ से अनार। अ से और क्या होता है? अ से अंगूर भी होता है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में अ से अनार, अ से अनार ये बोल बोल के लिखना है। ओके बच्चों, आप मेरे साथ बोलो, अ से क्या होता है? अ से अनार होता है। फिर आगे दूसरा कौन सा स्वर है यहाँ पे? आ। तो आ से क्या होता है? आ से आम होता है। आ से आकाश भी होता है ना? यस। तो बोलो, आ से आम, आ से आम, आ से आम। आया बच्चों आपको? ऐसे बोल बोल कर आपको लिखना है, वो भी बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में। अब तीसरा स्वर कौन सा है हमारा? ये वाला ई। ई से क्या होता है? चलो बताओ मुझे आप। ई से इमली होता है। और क्या होता है? इसे इसे इमारत भी होता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बोल बोल के लिखेंगे, ई से इमली, ई से इमली, ई से इमली, ई से इमली। ये बोल बोल के हम सभी जगह लिखेंगे यहाँ पे, ई से इमली, ई से इमली। ओके, ये हमारी कौन सी ई थी? छोटी ई थी, हमने भी पढ़ा ना। ये हमारी कौन सी ई? छोटी ई। अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई। तो ई से क्या होता है? बड़ी ई से क्या होएगा? ई से ईक। क्या होता है? ई से ईक। बोलो मेरे साथ, ई से ईक, ई से ईक। वेरी गुड, बोला ना इसे। अब ई के आदमी कौन सा स्वर आता है? ऊ। कौन सा वाला ऊ है? छोटा वाला ऊ है। ऊ से उल्लू। ऊ से क्या होता है बच्चों? ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से और क्या होता है आपको पता है? ऊ से उल्लू होता है, ऊ से 19 भी होता है। क्या होता है? ऊ से 19 भी होता है। ओके बच्चों, फिर आगे हम देखते हैं ये बर्ड। अब क्या पढ़ेंगे? बड़ा ऊ। तो ये कौन सा वाला है? बड़ा ऊ है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऊ। तो ऊ से क्या होता है? ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। वेरी गुड। आगे कौन सा स्वर है हमारे? री। बच्चों हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? री बोलेंगे। और गुजराती में इसको हम क्या बोलते हैं? रू बोलते हैं। तो री से ऋषि होता है। क्या होता है बोलो चलो मेरे साथ? री से ऋषि है ना बच्चों? ओके, हम आगे कौन सा स्वर पढ़ेंगे हम? ए। इसको क्या बोलेंगे? ए। ए से क्या होता है? ए से एडी होता है। ए से क्या होता है? ए से एडी भी होता है, ए से एक भी होता है। ओके बच्चों, आपको इन सभी जगह पर लिखना है। फिर आगे क्या है? ऐ। तो ऐसे क्या होगा आपको पता है? ऐसे ऐनक होता है। ऐनक होता है ना, ऐनक किसे बोलते हैं? ऐनक किसे बोलते हैं? चश्मा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऐनक बोलते हैं।
और ऐसे और क्या होगा, ऐसे ऐरावत भी होता है, तो बोलो बेटा चलो, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। ओके बच्चों, बोला ना? यस। आगे हम बोलते हैं, कौन सा स्वर आया हमारा है? ओ से क्या होता है? ओखली। क्या होता है ओ से ओखली होता है। क्या होता है बच्चों? ओ से क्या होता है? ओखली होता है। आगे कौन सा स्वर आया हमारे? औ। औ से क्या होता है? औ से औरत होता है। क्या होता है? औ से औरत। और क्या होता है औ से? औजार भी होता है बच्चों। तो आपको यहाँ बोल बोल के लिखना है, औ से औरत, औ से औजार। फिर कौन सा स्वर है? अन। अंग बोलते ना हम, किससे क्या होता है? अंगूर। यहाँ से क्या होता है? अंगूर। तो हम बोलेंगे अ से अंगूर, अंग से अंगूर। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? मेरे साथ बोलते रहो। फिर सबसे लास्ट में कौन सा स्वर आया हमारे? अह। अह पे क्या होता है? पीछे दो बिंदु लगा देते, उसको क्या बोलते हैं? अह। ये हमारा विसर्ग कहलाता है बच्चों। ये किसी भी शब्द के पीछे ऐसे लगाते ना, वो वाला। ओके बच्चों, आपको स्वर आए समझ में? आपको अपने नोटबुक में लिखना है। चलो हम फिर से हम एक स्वर को पढ़ते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? अ, बोलो मेरे साथ, अ, आ, ई, ई, ऊ। फिर कौन सा स्वर होता है? री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। यस, जितने हमारे स्वर है इनको आपको बहुत अच्छे से राइटिंग में इस किताब में तो लिखना है, पर आपकी जो हिंदी की किताब बनाई है ना आपने नोटबुक, उसमें भी बेटा आपको सभी स्वर को लिखना है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको ये सब?